ये बात निश्चित है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर समृद्धि, शांति और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा माननीय संसद सदस्य यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जनता से चर्चा की है, स्टेट होल्डर से चर्चा की है, कई संस्थाओं से चर्चा की है, ताकि जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके। और उसी के साथ यहाँ की पंचायत राज संस्थाओं में एक विश्वास जगाए, भरोसा जगाए, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी है, और यहाँ की पंचायत राज संस्थाएं उन आकांक्षाओं अपेक्षाओं के माध्यम से पूरा काम करने जा रही है। मेरी सभी पंचायत प्रतियों से चर्चा हुई है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी से ये पंचायत राज संस्थाएं वो सशक्त होगी, मजबूत होगी, जनता के प्रति जवाबदेह होगी और एक पारदर्शिता के साथ काम कर कर वहाँ के लोगों को, जहाँ अभावों को दूर करने का काम भी करेगी, वहाँ पर गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बेहतरीन काम करेगी। सब में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो दो बातें मुझे कहनी है। एक, विधानसभा के चुनाव जब स्टेट लीडर में इस समय बना था तो उसमें सब स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, नंबर एक। नंबर दो, पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में जितनी सीटें थी उससे 7 सीटें बढ़ गई बिना डिलिमिटेशन के। कौन डिसाइड करेगा उनकी बाउंड्री? देश के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर पार्लियामेंट को और देश को भरोसा दिया है कि स्टेटहुड उचित समय पर जरूर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर देश को भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है। और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी फिर से इस बात को दोहराया है कि डिलिमिटेशन का काम तेज गति से चल रहा है और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई हैं। चुनाव कब होगा इसका फैसला भारत का चुनाव आयोग करता है। मुझे लगता है कि उचित समय पर चुनाव आयोग निश्चित रूप से फैसला करेगा जब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो पर आप सबको पता है कि सिक्योरिटी असेसमेंट समय समय पर होता है और जो संस्थाएं इनका असेसमेंट करती हैं उस आधार पर सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। कुछ लोग हैं जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वो कोशिश करते हैं कि लोगों में एक भय का वातावरण पैदा किया जाए। उसकी जितनी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से आप देखेंगे पिछले वर्षों की तुलना में तो स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई है, रिक्रूटमेंट कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है और फोर्सेस का अपर हैंड है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर है। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के हम व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ सुरक्षित महसूस करे। लेकिन एक तथ्य अगर आप जानेंगे कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में 3 गुने से ज़्यादा टूरिस्ट देश भर के और दुनिया के दूसरे देशों से आए, मुझे लगता है कि स्पष्ट संदेश देश को गया है कि ये जम्मू कश्मीर जीतेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग झंके की चोट में कहता हूँ, अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी हियर। आपने इशारा अफसरों को दे दिया कि हमारी हुकूमत आने वाली है, फोन उठाएगी? नहीं, फोन ही नहीं, दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं हैं, वो लोगों के गुलाम हैं। उन्हें लोगों के लिए काम करना है और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहां उन्हें एक दिन जाना है। और उससे उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। पहले सबसे बड़ी बीमारी जो हम पर आई वो कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस ने सारा कुछ बैठा लिया, सारा ट्रेड बैठ गया, सब कुछ बैठ गया। लोग जहाँ 50,000 नौकरियां लगनी थी वहाँ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा पड़ोस की भी हालत ठीक नहीं है, क्या उसमें अफगान का कुछ इम्पैक्ट है?
मुझे बताइए कौन सा पड़ोसी जो है वो इस वक्त ठीक हालत में, बताइए मुझे। हमारे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, है? उनके हालात कैसे? कोई भी हमारा जो पड़ोसी है उसके हालात हम ये कहें कि बिल्कुल ही सामान्य हैं, वो नहीं। उसमें अफगान का इम्पैक्ट है जो मौजूदा वहाँ पे भी सूरत चल रही है। आप लोग अफगान के ऊपर तो जरूर कहेंगे, आप लोग क्योंकि तालिबान का आप जिक्र नहीं करते, आप अफगान तालिबान का असर तो जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ पड़ेगा, कितना अमेरिका पे पड़ेगा, कितना रूस पे पड़ेगा, कितना चीन पे पड़ेगा, क्या पता, कोई पता नहीं। यहाँ के हालात के हवाले से अगर देखेंगे, जो आपने कहा यहाँ के सरपंच पंचेज की उनकी सिक्योरिटी की आपने अभी बात की, कि आपने कहा मिलिटेंसी अभी भी है और उसके हवाले से नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था निर्मल सिंह जी से, पांच तो बीजेपी के मारे गए, अपना पार्टी का एक आदमी मारा गया, खुदा जाने आगे क्या होगा। और अगर पंचायत या डीडीसी मेंबर या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उन्हें काम करना है, उन्होंने आगे चलना है, तो उसके लिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और जब तक तो उनकी सिक्योरिटी, आप कैसे वो काम करेगा, पंचायत मेंबर कैसे काम करेगा, कैसे पहुंचेगा वो अपने गांव में। सर एक 5 अगस्त 2019 को जो कहा गया था भारतीय संसद में कि बहुत कुछ बदलेगा, 2 साल से ज़्यादा हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं क्या कहूँगा, आपको खुद देखना चाहिए कि कितना बदला है, कितना बदलाव हुआ है। हमारी क्या स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है, हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई है, आप लोगों को खुद देखना है। फारूक अब्दुल्ला अगर मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे जी ये तो अपोजिशन का आदमी है इसलिए ये अपोजिशन की बात कर रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप खुद देखो। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी अब चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी, चूँकि जो हम लोग जीतेंगे ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।